अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। और फ्रेंड्स, आपको मैं वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो उस दिन मैंने आपको प्लांटर्स दिखाए थे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे प्लांटर्स सारे रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें प्लांट्स भी लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना, प्यारे लग रहे हैं बहुत। और फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें एस्पैरागस ग्रास लगा रखी है, क्योंकि यहाँ ये जिस जगह पर मैंने यहाँ पर रखे हैं, धूप बहुत कम आती है यहाँ पर। तो और देखिए, ये एस्पैरागस ग्रास वाइन इसमें लगा रखी है। इस तरीके से ये पेंट करे थे, थोड़ी सी ऐसे ही डिज़ाइन बना ली इसमें, पोल्का डॉट रख दी। और कम्बिनेशन रेड और ब्लैक का रखा। और इसमें मैंने पार्चुलका लगा दी है, एक फ्लावर भी आ गया। और ये पर्सलैन, और ये एस्पैरागस ग्रास, ये इस तरीके से बास्केट ये है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बास्केट बन जाती है इसकी। डिब्बे के ऊपर के हिस्सा बहुत अच्छे से पेंट करके, और इसको चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं। और ये इस तरीके से टू पार्ट में डिब्बे को काट लिया। और ये मदर्स ऑफ 1000 मैंने लगा रखे हैं छोटे छोटे से। ये वंडरिंग ज्यू, सिर्फ ऐसे फ्रेंड्स लगाए हैं इसमें प्लांट की जिसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम धूप आती है। इसमें राइजोम नहीं होगा, जब मैंने ये प्लांट लगाया था इसमें राइजोम नहीं होगा। तभी ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सूख गया है इस तरीके से। जिसमें राइजोम नहीं होगा वो फ्रेंड्स ये प्लांट नहीं होगा, वो सूख जाएगा। तो मैं ये निकाल देती हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लाइन कितनी अच्छी सी लग रही है। और ये मेरी हैंगिंग बास्केट, मैंने ये लगा रखी है इस तरीके से। इसमें ही फ्लावर, ये देसी पार्चुलका है, ये दो शेड में मेरे पास है फ्रेंड्स। ये इस तरीके से बहुत प्यारे लग रहे हैं प्लांटर्स मेरे। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये मैं इस तरीके से भी लगा रखे हैं, क्योंकि ये टर्टल वाइन गिलहरी बहुत काट देती हैं आके, इसलिए मैंने इसको पिंजड़े में रख दिया, इसमें रख के और इसको बंद कर दिया, ताकि पेड़ भी लगा रहे और गिलहरी भी ना काटे। इसलिए ये इस तरीके से फ्रेंड्स। अब आप लोग बताइए मेरे प्लांटर कैसे लग रहे हैं। हर कंटेनर के दो हिस्से बना के उनको पेंट कर दिया। और इस तरीके से ये बास्केट, और ये मैंने बॉटल कुछ पेंट करी थी इसमें भी फ्रेंड्स। देखिए छोटे ऐसी पार्चुलका और पार्सलाइन ही लगा रखी है, क्योंकि यही प्लांट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 5 o'clock प्लांट्स हैं, अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पर के मैंने पेड़ हटा दिए हैं, फिर से लगाऊंगी। ये पिटोनिया खिल रही है, और ये विनका, इस क्यारी में भी कटिंग होने के है रोज़ की। मैंने सोचा ये सारे फूल खिल जाए फिर कटिंग करेंगे। ये क्यारी मैंने साफ़ कर दी है, अब इसमें न्यू प्लांट्स लगाऊंगी। और फ्रेंड्स आइए आपको दिखाती हूँ, ये कहाँ पर मेरी भैंस है, ये इसके अंदर मुर्गे हैं, और ये भैंस मेरी बैठी है, इसका नाम सिंड्रेला है, और वो इसका बच्चा बैठा है। ये
इसको बच्चे बंटी कहते हैं। ये बैठा है, ये देख रहा है, ये भैंस मेरी है। इसीलिए फ्रेंड्स ये मैंने चारा लगा रखा है। और ये अभी जल्दी ये दूसरी भैंस लेकर आए हैं। ये इससे मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स ये मेरे गार्डन में जहाँ तक जगह ज़्यादा है उसी में मैंने ये चारा भी लगा रखा है, क्योंकि भैंस को भी तो कुछ खिलाना होता है। और ये मेरा करौंदे का प्लांट, इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा करौंदे हैं। ये ग्रीन वाले करौंदे हैं, ये एक पक भी गया है, बहुत लंबा हो गया, बहुत बड़ा था ये करौंदे का पेड़, ये कट कर आ दिया। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने ज़्यादा करौंदे हैं इसमें लगे हुए। ये मेरी चाइना अमरूद भी आ गई हैं इसमें फ्रेंड्स। ये छोटी सी, ये मेरा मेहंदी का प्लांट, मेहंदी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा घनी है, ये कटिंग करवा दी थी तो अब बहुत ज़्यादा घनी हो गई। और ये सब चारा भैंस का। और ये मेरे प्लांट्स की क्यारी, ये येलो 5 o'clock, अब इस क्यारी में भी प्लांट मैंने लगा रखे हैं। ये मैंने विनका ही लगाई है, मुझे विनका अच्छी लगती है, फ्लावरिंग भी बहुत करती है और केयर भी ज़्यादा नहीं करना पड़ती। ये हरी मिर्च का पेड़ लगा रखा है, ये फैल बहुत रहा था इसलिए इसको बांध दिया इस तरीके से। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना छोटा सा प्लांट और इतनी फ्लावरिंग। ये मेरी डार्क मैक्सिकन पिटोनिया, आज फ्रेंड्स देखिए मैक्सिकन पिटोनिया में एक फ्लावर दो आए हैं बस, वैसे ही बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर होते हैं, काफ़ी ये घनी सी है। और ये छोटा सा विनका, इसमें 3 फ्लावर खिले हैं, चौथा खिलने को है। और ये मेरा सदाबहार, ये पिटोनिया। अब मैं फिर घूमती हुई इधर आ गई हूँ, फिर वही। इसी के साथ फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।